बार बार इनकी उम्र का लगा के कोई भूतपूर्व नौजवान जैसे थे। बड़ी खूबसूरत बात ये थी कि 81वां जन्मदिन सालगिरह अली सरदार जाफरी की थी उस दिन। किसी को ये बात नहीं मालूम थी DCM का वो आखिरी मुशायरा था इंटरवल से पहले। तो अली सरदार जाफरी साहब की एक फ्रेंड इत्तेफाक से मलिकज़ादा मंसूर निज़ामत कर रहे थे और मैं पीछे था, तो किसी उन्होंने मुझे पता चला, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज इनका 81वां जन्मदिन है। तो रात के तकरीबन 11:30-12 बजे थे, उस लड़की ने, उस औरत ने उसी वक्त 81 गुलाबों का एक गुलदस्ता मंगवाया। और जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो मैं और मलिकज़ादा मंसूर अहमद साहब अली सरदार जाफरी साहब जब स्टेज की सीढ़ियों से उतर रहे तो वो खातून आई भागी हुई और उन्होंने एक गुलदस्ता दे के कहा कि इसमें 81 फूल हैं और 81 आप शादी हो गए, मुबारक हो। और मैं यकीन ये रखती हूँ कि इंशाल्लाह मैं हो सका तो आइंदा साल भी आपको सुनूंगी। क्या खूबसूरत बात अली सरदार जाफरी ने कहा, गाल को तबा के कहते हैं शहजादी आप अपनी ज़िंदगी से इतनी मायूस क्यों। गुलजार देवी साहब की ये बात ये है कि वो अमीर शहर बना रहा बस इसी की सिक्का दरी रही, वो अमीर शहर बना रहा बस उसी की सिक्का दरी रही, वो अना जो मेरा नसीब थी वो अना धरी की धरी रही। तुझे सोचना, तुझे चाहना, तुझे ढूंढना, तुझे मांगना, तेरी खुशबुओं के शिकार में जो रही तो दर बदरी रही। तेरी खुशबुओं के शिकार में मेरी शायरी मेरे रब जगे, मुझे और कुछ तो ना दे सके मगर एक बात जरूर है, मेरी बात सबसे खरी रही। खरी और सच्ची बातें अपनी शायरी में करने वाले मोहतरम जनाब पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार देवी साहब, सदर मोहतरम से एहतराम के तमाम तरवाजीबाद के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलावत निज़ाम से हमें नवाजें। मोहतरम जनाब पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार देवी साहब, शुक्रिया। एक मुहक्किक, मुदर्रिस और जान रूह इस्लाम ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी से लेकर दिल्ली की उर्दू एकेडमी तक मुतनव्वो मुतलव्विन इन्होंने जो खिदमात की हैं, मैं दुआ करता हूँ कि ये और उर्दू एकेडमी के इतने जितने साथी हैं, अनीस आदमी, राकिब और तमाम हजरात, इनको मैं जब से एकेडमी बनी है जब से जानता हूँ, एकेडमी से पहले जब तक उर्दू एकेडमी नहीं थी 47 से 55 तक प्राइवेटली और 55 के बाद हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री पब्लिक रिलेशंस की मदद से हम ही लोग चलाते थे 82 तक ये मुशायरा। लाल किले का पहला जश्न जमहूरियत मैंने और कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने और दिल्ली के पहले चीफ कमिश्नर शंकर प्रसाद ने मिलकर किया था। और मुझे ये भी फख्र हासिल है कि 1934-35 से 1947 तक आज़ादी से पहले और 44 और 47 से लेकर 90 तक दिल्ली और हिंदुस्तान के किसी कोने में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल और मौलाना आज़ाद और इंदिरा के दौर में मेरे बगैर तमाम हिंदुस्तान में कहीं कांग्रेस का कोई इजलास नहीं हुआ। दिल्ली में चाहे गांधी ग्राउंड हो, रामलीला ग्राउंड हो, रीगल ग्राउंड हो या अजमल शाह पार्क हो, जवाहरलाल मौलाना इंदिरा की कोई तकरीर मेरे नज़्म से पहले नहीं हुई। ये तारीख है। और ये भी मुझे शर्फ है कि जब दिल्ली की असेंबली बनी तो अकेला सभा, जब इलेक्शन कमेटी होती है बहुत लोग होते हैं, चौधरी परम प्रकाश ने मौलाना शफीकुर रहमान किदवाई पहले एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी हमारे बहुत कादी सीताराम बाजार से खड़े हुए थे हमारे इलाके से, उनके इलेक्शन से जितने एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं सिवाय वालिया जी के, इसमें 90 तक मैं हर इलेक्शन में जाता था, 90 के बाद मैं पहचानता नहीं था। अब शीला जी और किरण वालिया ने मुझे मजबूर किया है कि मियाँ अगले इलेक्शन जब भी हो 13, 14, 15 में मरने से पहले एक मरतबा और शहीद सियासत हो जाऊं और दोबारा इन लोगों को देख लूँ जिन्होंने दिल्ली में उर्दू को रिवाइव किया है।
उर्दू की ताकत में इजाफा किया है। बहरहाल ये तमाम टीम जो नए लोगों की आबाई है, मैंने तो 87 बरस में से 80 बरस इस कौम और मुल्क और माशरे और जबान की खिदमत की है सिर्फ कौमी यकजहती के लिए। आजकल दो ऐब हैं मैंने जिन्हें अपना लिया, आजकल दो ऐब हैं मैंने जिन्हें अपना लिया, एक मुस्लिम दोस्ती है एक उर्दू का जिहाद। भारत दोनों के रगो पैर में खून अपना ही जारी है, दोनों के रगो पैर में खून अपना ही जारी है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। उर्दू से मगर गफलत किस वास्ते हो हमदम, तहजीब की प्यारी है खुसरो की दुलारी है। तहजीब को बेजान बनाने वालों, नगमात को हिजियान बनाने वालों, उर्दू तो कुल अक़वाम का सरमाया है, उर्दू को मुसलमान बनाने वालों। कंवर महेंद्र सिंह बेदी, पंडित चंद्रभान शाहजहां के दरबार में पहली उर्दू गजल जिन्होंने पढ़ी, चंद्रभान ब्रह्मन वो भी कश्मीरी पंडित थे, पहली मतले से मकते तक दया नारायण निगम, नौबत राय नजर, तिलोकचंद महरूम, लभू राम जोश, मसियानी रंग, प्रशांत सराय, फिराक गोरखपुरी, आनंद नारायण मुल्ला, एक सैकड़ों नाम है। एक कहां तक गिनवाऊं आपको, वास्ता हमको फकत हिंदू और मुस्लिम से नहीं, हम मोहब्बत की नजर रखते हैं सरदार पे भी। और महेंद्र सिंह बेदी से और राजेंद्र सिंह बेदी से लेके अभी आपने देखा सुरेंद्र नाथ सुरेंद्र शजर ने क्या कलाम पढ़ा, तो ये इस बात का बयान सबूत है। अगर मुल्क में जमहूरियत कायम चाहते हैं, मुल्क की सलामियत चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि तासुब तंग नजरी फिरका परस्ती और फैसलम फिसाइयत ना उभरे सर ना उठाने पाए, लोग नाजायज हिटलर और मेसोलिनी के नाजायज औलाद नरीना को तकवीत न दे, तो कौमी यकजहती को और उर्दू को नवाजना पड़ेगा। वो एक वायद जमानत है।